जिहाद का मामला सामने आया। रफीक रवि बनकर शादी करने मंदिर पहुंचा। नकली आधार कार्ड से हुआ रफीक का खुलासा। एक साल से लड़की को धोखा दे रहा था रफीक। तो भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया है। रफीक रवि बनकर शादी करने मंदिर पहुंचा है। हालांकि उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी अब कड़ा कानून बनने वाला है लव जिहाद को लेकर। नकली आधार कार्ड से हुआ खुलासा। एक साल से लड़की को धोखा दे रहा था रफीक। एक साल से रफीक रवि बनकर धोखा दे रहा था। भोपाल में लव जिहाद का मामला आया सामने। रफीक रवि बनकर शादी करने पहुंचा मंदिर में। नकली आधार कार्ड से हुआ रफीक का खुलासा। वो रवि यादव बनकर आया। हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया। नकली आधार कार्ड भी दिखाया। लेकिन लोगों को भनक लग गई और जब जांच हुई तो रवि यादव का आधार कार्ड नकली निकला। असली होता भी कैसे, क्योंकि वो रफीक उर्फ इसरार खान था जो रवि यादव बनकर हिंदू लड़की से मंदिर में शादी करने पहुंचा था। सर, लव जिहाद का एक मामला सामने आया। हमारे पास कल सूचना आई थी मंदिर में एक इस प्रकार की शादी हो रही है, तो उसको तस्दीक करने के लिए पुलिस वहां पे पहुंची। तो वहां पर पाया कि जो लड़का है उसने अपना नाम चेंज कर रखा है। उसका नाम रवि था, रफीक था, उसने रवि नाम से अपना आइडेंटिटी बताया। रायसेन की रहने वाली सोनम की शादी तो रवि यादव से हो रही थी, लेकिन कुछ लोगों को शक हुआ और जब पूछताछ हुई तो रफीक ने नकली आधार कार्ड दिखाया। और आधार कार्ड की जांच हुई तो रवि यादव औरंगाबाद का रहने वाला इसरार खान निकला। एक आधार कार्ड प्रस्तुत किया था जो फर्जी था, तो फर्जीवाड़े करने का मुकदमा और गलत तरीके से पुलिस को आइडेंटिटी गलत बताने का जो मुकदमा है वो कायम किया जा रहा है। इसरार खान उर्फ रफीक एक साल से सोनम को जानता था। परिवार के हर धार्मिक काम में शामिल भी होता था, इसलिए ना तो कभी लड़की को शक हुआ और ना ही परिवार के किसी दूसरे सदस्य को। कितने दिन से जानते थे? एक साल से। एक साल से। क्या नाम बताते थे भाई अपने? रवि यादव। रवि यादव। आपने कभी ऐसी शंका की कि कुछ और नाम हो सकता है इनका? जी नहीं। कुछ जागरूक युवाओं के चलते आज सोनम नर्क में जाने से बच गई। इसलिए सावधान हो जाइए और किसी भी नीटू टीटू पप्पू या रवि पर आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राम मंदिर का निर्माण का काम तेजी से जारी है। मंदिर की नींव पर चर्चा के लिए आज अहम बैठक। नींव में कंक्रीट की पाइलिंग या पत्थर के इस्तेमाल पर होगी चर्चा। नींव का डिजाइन करने वाली टीम ने रिपोर्ट सौंपी। तो अयोध्या से बड़ी खबर, मंदिर की नींव पर चर्चा के लिए आज अहम बैठक है कि मंदिर की नींव में क्या इस्तेमाल होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी। हाथ लगी दो ग्रेनेड के साथ एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों की गिरफ्त में मौजूद ये शख्स जम्मू में बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में था। इसका नाम मोहम्मद अशरफ है, जिसे जम्मू पुलिस ने नरवाल इलाके से दो हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया। जम्मू पुलिस के मुताबिक रविवार रात पुलिस टीम नेशनल हाईवे बाईपास पर नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान ये शख्स पुलिस कर्मियों को देखकर भागने लगा, जिसे बाद में पकड़ लिया गया। पूछताछ में मोहम्मद अशरफ ने बताया कि ये ग्रेनेड उसे आतंकियों तक पहुंचाने थे। कश्मीर में आतंकी संगठन सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के बाद अब किसी बड़े हमले की फिराक में है। आतंकी संगठन अब कश्मीर में मोहम्मद अशरफ जैसे ओवरग्राउंड वर्करों के जरिए आतंकियों तक हथियार पहुंचा रहे हैं। पिछले तीन दिनों के दौरान जम्मू में पकड़े गए तीन आतंकियों और उनसे बरामद हथियार के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। खुफिया एजेंसी भी अलर्ट पर हैं। आज पीएम मोदी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। मालगाड़ियों के लिए अलग रेलवे लाइन का उद्घाटन होगा। उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी पीयूष गोयल रहेंगे मौजूद। कानपुर देहात के न्यू भावपुर से खुर्जा तक के कॉरिडोर का उद्घाटन। एक सप्ताह में 100 रेलगाड़ियां कॉरिडोर पर चलने लगेंगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर।
कानपुर देहात से खुर्जा के बीच मालगाड़ियों के लिए अलग फ्रेट कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है और आज पीएम मोदी इस फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। कानपुर देहात के न्यू भाऊपुर से शुरू होकर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बुलंदशहर जिले में खुर्जा के करीब न्यू खुर्जा तक बनाया गया है। 353 किलोमीटर लंबे इस फ्रेट कॉरिडोर पर एक सप्ताह में 100 मालगाड़ियां दौड़ने लगेंगी। इस कॉरिडोर के निर्माण पर 5,750 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1,856 किलोमीटर लंबा है, जो पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के दानकुनी में खत्म होगा। फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, रेल मंत्री पीयूष गोयल और यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन भी मौजूद रहेंगी। फ्रेट कॉरिडोर बनने से माल ढुलाई की रफ्तार में इजाफा होगा और यात्री ट्रेन की रफ्तार भी कम नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमित शाह के रोड शो के जवाब में ममता दीदी का रोड शो, कल वीरभूम में ममता बनर्जी का रोड शो, आज टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलेंगी ममता दीदी। वीरभूम में अमित शाह कर चुके हैं रोड शो, टीएमसी का गढ़ माना जाता है वीरभूम। तो अमित शाह के रोड शो के बाद ममता दीदी की बेचैनी बढ़ी और अब वो भी शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। अमित शाह का बड़ा रोड शो था जो कि वीरभूम में हुआ और अब ममता बनर्जी वीरभूम में रोड शो करेंगी। तो आज ममता बनर्जी, चुनाव आते आते मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। या तो बोलो डकात सब दर्शक चंबोले, बोलो डकात चंबोले, बोलो डकात। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी ने भी कमर कस ली है। गृह मंत्री अमित शाह की रैली का जवाब देने के लिए आज ममता बनर्जी भी बोलपुर में रोड शो करने जा रही हैं। ममता बनर्जी बोलपुर डाक बंगलो मैदान से जामबुनी तक 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगी। रोड शो खत्म होने के बाद ममता बनर्जी जनसभा को संबोधित भी करेंगी। इस रोड शो में बंगाल की संस्कृति पर जोर दिया जाएगा। उधर टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर भी हमला बोला है। पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि राज्यपाल अपने मालिक के आदेश का पालन कर रहे हैं और राज्यपाल पद की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे पहले राज्यपाल ने ट्वीट कर लिखा था कि ममता बनर्जी राज्य में राजनीति से प्रेरित पुलिस एक्शन ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जमीन का छोटा सा टुकड़ा कैसे रिश्तों को तार तार कर देता है, देखिए यूपी के गोरखपुर से आई ये रिपोर्ट। ये मारपीट और चीखें जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए हैं। एक दबंग भाई और उसके बेटे अपने ही गरीब भाई और चाचा को बेरहमी से मार रहे हैं। हमारे भाई जो है कि पीएससी के दरोगा हैं, वो हमारी जमीन के हर पर चक्कर में है। हमारे परिवार बोलने गया उसी भाई जो है जुट के उनका लड़के सुरेंद्र हमारे जो भाई है, हाँ हमारे हमारे वाले बहुत मारे, हमारे घर वाले को मारे, हमारे मार दिए, हमारी डंडा हमारे हाथ टूट गया। हम सिगरा थाने गए, वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाए और जो कि उनका नाम जो लिख नहीं रहे हैं। पहले भाई ने मारा पीटा और भगा दिया, फिर पुलिस ने भी नहीं सुनी। मामला मीडिया में आया तो पुलिस ने मामले की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। मामला यूपी के जौनपुर का है। परिवार और प्रशासन का मारा पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पल पल बदलती खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन वक्त है हिंदुस्तान पर एक छोटे से ब्रेक का। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।